नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। सबसे ज्यादा मन में आपके सवाल रेंग रहा होगा कि NHPC का रिजल्ट कब तक आएगा। तो NHPC का रिजल्ट सितंबर के सेकंड वीक तक आ जाएगा, ठीक है। सितंबर के सेकंड वीक तक 100% आ जाएगा, ठीक है। और अक्टूबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक इसकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो NHPC का रिजल्ट बिल्कुल आने वाला है, इसका रिजल्ट जो है अपना आने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसकी कट ऑफ क्या होगी, इसकी कट ऑफ मैं एक वीडियो में आपको दर्शा दूंगा, ठीक है। अभी वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो मेरी, उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। अब सवाल ये भी पैदा होता है, क्या अगले साल NHPC में वैकेंसी आएगी? 100% अगले साल NHPC में वैकेंसी आएगी, ठीक है। क्यों? NHPC प्रेजेंट टाइम में ना बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग स्टेज पे है, ठीक है। ये एक मिनी रत्न कंपनी से आई थिंक ये नवरत्न की तरफ भी टर्न ओवर लेना चाहता है, ठीक है। आप देखोगे इसके ना और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सोलर में भी एंट्री लेना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अगले साल से प्रॉपरली पूरा सोलर में एंट्री ले रहा है, हाइड्रो के साथ साथ सोलर की भी। तो अगर सोलर के लिए भी एंट्री लेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की जरूरत तो पड़ेगी। तो आई थिंक ये अगले अगर ती मुझे लग रहा है अगले 2 साल तक भी लगातार रिक्रूटमेंट करेगा ये, ठीक है। जैसे पावर ग्रिड में हर साल वैकेंसी आती है, ये भी इसी तरीके से लगा हुआ है। नेक्स्ट ईयर भी वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। NHPC में मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि NHPC में नेक्स्ट ईयर भी भर्ती आएगी। तो जो इस साल रह जाएंगे किसी कारणवश वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने अपने स्कोर आपको पता ही होंगे, मेरा तो 130.25 है जनरल का, पर मुझे लग रहा है कि कट ऑफ 135 तक तो जा ही सकती है, ठीक है। हाँ, किसी बहुत ही कोई रेयर कंडीशन में 130 चलेगी तब तो हो जाएगा मेरा, पर मुझे लग नहीं रहा कि 130 जाएगी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि 135 के आसपास जाएगी जनरल की, तो ठीक है। बाकी जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है उनके तो अगर 130 129 128 नंबर भी बन रहे हैं तो आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, कैटेगरी वाले, ठीक है। जैसे कि अगर कोई SC कैटेगरी में है तो 120 भी अपना ठीक स्कोर समझ सकता है, ठीक है, और 122 भी, ठीक है। OBC के लिए एटलीस्ट आपका स्कोर 130 तक तो होना चाहिए, ठीक है, या 128-129 तक तो आप सेफ हैं, ठीक है। जनरल के लिए 130 में भी आप सेफ नहीं है, 135 से 136 तक तो जाएगी जनरल की कट ऑफ, ठीक है। तो यही जाएगी, और इसका जो रिजल्ट है वो सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा सितंबर के सेकेंड वीक तक, ठीक है। तो NHPC की वैकेंसी, NHPC का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और NHPC की नेक्स्ट वैकेंसी कब देखने को मिल सकती है? NHPC की नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने पड़ सकती है अगले साल मई के आसपास, ठीक है। तो अगले साल मई के आसपास आपको NHPC का नेक्स्ट रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात, एक इम्पॉर्टेंट बात है, सब बच्चे पूछ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस पे भी बनाऊंगा, क्या UPPCL में सचमुच एक ना अफवाह फैल रही है UPPCL के लिए, खासकर पिछले एक हफ्ते से, कि UPPCL में ना सिर्फ 16 सीट्स वैकेंट हैं JEE की। एक लड़के ने मुझे भी कमेंट किया था, कोई फौजदार नाम का लड़का है, ठीक है। तो फौजदार जी ने मुझे कमेंट किया था, वो कह रहे थे कि क्या फायदा UPPCL JEE की तैयारी करने का, 250 वैकेंसी आती थी और उसमें 16 वैकेंट है। बट वो 16 वैकेंट नहीं है, वो एक अफवाह है खाली, ठीक है, आपको डिमोटिवेट करने के लिए। वो सच क्या है वो भी मैं बता दूंगा। बाकी ये वीडियो NHPC JEE के रिजल्ट के लिए था। NHPC JEE का रिजल्ट जो है वो आपको सेकंड वीक ऑफ सितंबर तक देखने को मिल जाएगा, और अक्टूबर सेकंड वीक तक इसकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा इंपॉर्टेंट चैनल है, ठीक है। थैंक यू।